जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में रबीउल अव्वल के पूरे महीने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसें, जुलूस और महाफिल का सिलसिला जारी रहा, जिनमें जर्मनी भर से लोग अपने अहल वयाल के साथ बड़ी तादाद में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंसों और जुलूसों में उलमाए कराम, बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी से तलक रखने वाली अहम शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। जर्मनी के मारूफ नात ख्वां राना मोहम्मद आसफ कादरी, ज़ुबैर तिरमिज़ी, सैयद अफजाल शाह, अलामा मोहम्मद नवीद कादरी, सैयद जाफ़र अली शाह, पाकिस्तान से आए मोहम्मद आबिद मासूमी और दीगर ने अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत के फूल नछावर किए। जामिया मस्जिद गौसिया में कश्मीर कम्युनिटी की तरफ से होने वाली मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बबरकत तकरीब से ख़ताब करते हुए मोहम्मद फारूक चौधरी का कहना था कि उम्मत मुसलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियां गुजारें। आज उम्मत मुसलमा नफाक का शिकार है। इन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमा सीरत नबी और कुरान हदीस पे अमल पैरा होकर इतिहाद का मजारा करते हुए आलमी ताकतों का मुकाबला करें। हल्का दरूद की महफिल मिलाद से खिताब करते हुए अलामा शौकत हुसैन आवान ने कहा कि मुसलमान अगर मुसलमान के लिए नरम कोशा रखता है तो मोमन है, और अगर वो काफर के लिए नरम और मुसलमान के लिए सख्त है तो उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इस बात को इस तरह अगर कहा जाए कि वल्लज़ीना माहू, जो हुजूर के साथ रहे और फला पा गए, जो हुजूर की निस्बत में रहे और फला पा गए, उनकी चार निशानियां हैं। बात को मैं जल्दी बयान कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। यानी हुजूर के साथ लगे और क्या हो गए, फलाह पा गए। उनकी चार निशानियां बयान फरमाई। क्या? अशिद्दाउ अलल कुफार, वो काफिरों के लिए क्या हैं? ये सहाबा इकराम की निशानी है। वो काफिरों के लिए क्या हैं? सख्त हैं। मुसलमान अगर मुसलमान के लिए नर्म है तो मोमिन है, और अगर वो काफिर के लिए नरम और मुसलमान के लिए सख्त है, उसे अपने ईमान पर तवज्जो करनी चाहिए। इदारा पाक दारुल इस्लाम मिंचनास्टा से फ्रैंकफर्ट की तरफ से मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस और मशल बरदार जुलूस निकाला गया। अलामा मोहम्मद अदनान कादरी ने अपने खिताब में कहा कि यहूद नसार अपनी गैर अखलाकी और गैर मजहबी मिसालों से बाज आ जाए, अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। के बाकी 99 लोग, कामयाब लोगों का जो तस्करा कर रहा हूं, वो 99 लोग सिर्फ सक्सेसफुल है, सिर्फ कामयाब है। अल्लाह के महबूब सुप्रीमली सक्सेसफुल है। वो इस तरह कामयाब है कि जो इनकी बारगाह से लगा, जिसकी निस्बत हुई, वो भी कामयाब कह रहा। वो ये अल्लाह के महबूब के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हर जमाने के हर हर शायर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ और सना की। वो हमारे हर में परसों म्यूनिख में था, दो तीन दिन कबल म्यूनिख में, मैं सोच रहा था कि जर्मन जबान में भी किसी ने नात कही होगी, काश कोई हो। तो एक दो नौजवान ये के बाद दीगरे आए और अल्लाह की महबूब की तारीफ शुरू कर दी। मैं हैरान था कि अल्लाह के महबूब की तारीफ और सना हर जमाने के हर हर शायर ने की। हजरत अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब ने हजरत हसन के वो तारीखी अशार बयान किए। अब बाज लोग कहते आप नात पढ़ते हैं लेकिन मुबालगा बहुत करते हैं। ओ भाई, हजरत हसन से ज्यादा मुबालगा कौन कर सकता है? कि हजरत वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, मेरे आंख ने आप जैसा नहीं देखा। वो अजमल मिन कलम तले दिन निसाओ, सहाबी रसूल है कहते किसी माँ ने आप जैसा नहीं जना। और फिर इसी तरह हर जमाने के हर हर शायर ने, इसी तरह फारसी जबान में बकारे खैश हैरानम अगिथनी या रसूल अल्लाह, वशेमानम वशेमानम वशेमा या रसूल अल्लाह, और इसी तरह लायुम की नस्तना उकमा कान हक हूँ बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और किसी तरह बल्कि मैं पख्तून हूँ पश्तो जबान में भी कह दूंगा, हजरत अब्दुर्रहमान बाबा ने कहा था सूरत द मोहम्मद नवे पैदा, पैदा कड़े बखदे नवदा दुनिया, मोहम्मद बेचारो चार गर्दे, मोहम्मद हर मुमकिन लर दवा,
خدای مگر بے شک چ بندہ دے نور کل واڑ صفات دی پرختیار حضرت عبدالرحمن بابا آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے محبوب کی صورت اگر پیدا نہ ہوتی تو اللہ اس جہان کو پیدا نہ فرماتا. رو نائم میں ہونے والی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء کرام نے پیغام دیا کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے اور اپنی زندگیوں میں اطاعت ادب اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے میں ہے. جی آج کے میلاد سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں انہوں نے کیسے اپنی لائف کو گزارا. کانفرنسوں اور محافل کے اختتام پر عالم اسلام بالخصوص فلسطین اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی استقام و خوشحالی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور حاضرین کی تواضع لنگر محمدی سے کی گئی. شبیر احمد کھوکر، فرینکفرٹ، جرمنی.